नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्पिंग सीकर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो बेरोजगारी भत्ता है उसके लिए जो आय प्रमाण पत्र है और जो फॉर्म में अन्य जो फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है ताकि आपका फॉर्म एक बार बार रिजेक्ट ना हो और आपका पहली बार में ही अप्रूव्ड हो जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। आपको हम बताते हैं कि लोगों के मन में क्या विचार आता है कि पहले ही अगर आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको आते ही जो आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सबसे पहले यही विचार आता है कि जो आय प्रमाण पत्र है वो पिता के नाम से बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है, इसमें आपको जो बेरोजगारी भत्ता है उसमें आय प्रमाण पत्र उसके नाम से बनता है जो जिसके नाम से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जिसका जिसके नाम से आवेदन किया जा रहा है उसका यहाँ पे सबसे नवीनतम फोटो आपको यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद नंबर पॉइंट वन में आपको प्रार्थी का पूरा नाम फिलअप करना है जो आपके आधार कार्ड में या और मार्कशीट के नाम के हिसाब से हो, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद पिता का नाम फिलअप कर देना है, अगर लड़की है तो यहाँ पर लड़की के पिता का नाम या पति का नाम आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पर निवास स्थान फिलअप कर देना है, यहाँ पर आपका अपना जो गांव है वो नाम लिख देना और तहसील जिला आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जन्म दिनांक आपको यहाँ पे जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से लिख देना, जन्म स्थान आपको फिलअप कर देना, उम्र में आपको लिख देना है जो आपकी उम्र अभी वर्तमान में है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिंग में आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि पुरुष है या महिला है। तो आपको यहाँ पे अगर पुरुष है तो पुरुष लिख देना, अन्यथा महिला लिख देना, अगर विवाहित है तो विवाहित और नहीं अविवाहित आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद धर्म में आपको लिख देना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। इसके बाद लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि जाति में क्या लिखे और उपजाति में क्या लिखे। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जनरल से है तो यहाँ पे जाति में आपको जनरल टाइप करना है और उपजाति में आपको शेखावत या राजपूत जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। इसके बाद अगर आप पॉइंट नंबर 8 में क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी अगर है तभी आपको यहाँ पे ये बेरोजगारी भत्ता मिलता है तो आपको यहाँ पे हाँ फिलअप कर देना है। और अगर आयकर दाता है तो आपको हाँ या नहीं फिलअप कर बता देना है, अगर है तो आपको हाँ करना है अन्यथा नहीं। यहाँ पर मोबाइल नंबर वो देना है जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसके बाद अगर पैन कार्ड नंबर है तो आपको यहाँ पे डालना है और अन्यथा आपको यहाँ पे नील लिख देना है। इसके बाद टिन नंबर आपको अगर है तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 13, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत ही समझदारी के द्वारा भरना होता है। यहाँ पर आपको एक नंबर में आपको जिसके नाम से यह फ़ोटो है उसी का आपको यहाँ पर नाम फिलअप करना होता है। यहाँ पर उम्र आपको फिलअप करनी होती है, कितनी उम्र है, प्रार्थी से संबंध यहाँ पर आपको स्वयं लिख देना है, व्यवसाय की प्रकृति आपको यहाँ पे व्यवसाय की प्रकृति में शिक्षित बेरोजगार आपको टाइप करना होता है या लिखना होता है। और आपको वार्षिक आय में आपको या तो जीरो लिख देना है या नील आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम लिख देना है और इसी प्रकार यहाँ पर उम्र लिख देनी है और प्रार्थी से संबंध लिख देना है और व्यवसाय क्या करते हैं पिताजी वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और वार्षिक आय कितनी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे परिवार के अन्य सदस्यों का जो विवरण होता है वो फिलअप कर देना है। और नीचे यहाँ पे परिवार की कुल वार्षिक आय में आपको जो पिताजी की आय है यहाँ पर पिताजी की आय जो अन्य सदस्य उनकी आय है वो जोड़कर आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। इतना फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पर आपको डेट उस दिन की डालनी है जिस दिन आप यहाँ पे या तो नोटरी करवाए या किसी गजिटेड अधिकारी के सिग्नेचर करवाए वहाँ उस दिन की आपको यहाँ पे डेट डालनी है और स्थान आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आपको प्रार्थी के सिग्नेचर करवा लेने हैं। यहाँ पर इतना कार्य होने के बाद आपको इसके पीछे का पेज यानी पेज नंबर 2 पे आपको आना है। यहाँ पर जो पेज नंबर है वो आई है और इसके बाद जो आता है वो आता है आपका के, तो आपको के नंबर के पेज पर आना है। यहाँ पर आपको 2 गजिटेड अधिकारियों के सिग्नेचर करवाने हैं, इनमें आप सरपंच के सिग्नेचर नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो गजिटेड अधिकारी है वो यहाँ पर अपना नाम लिख देना, अपने पिताजी का नाम, निवास स्थान लिख देगा और विभाग कौन सा है अगर जैसे पंचायती राज जो भी
है वो आपको यहाँ पे फिलअप करके देगा, और कौन से पद पे है वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम लिख देगा और आपके पिताजी का नाम और यहाँ पर निवासी है, और आपकी जो भी आय है वो आपको यहाँ पे स्वयं लिख देनी है कि आप कितनी आय है। इसके बाद यहाँ पर जो गजेटेड अधिकारी है उसके आपको सिग्नेचर करवाने हैं, मोहर लगवानी है, यहाँ पर नाम लिखवाना, दिनांक किस तारीख और स्थान लिखवाना है। इधर आपको यहाँ पे गजेटेड अधिकारी है उसके मोबाइल नंबर आपको अवश्य लेने हैं, और इसी प्रकार आपको यहाँ पे नीचे दूसरे गजेटेड अधिकारी के आपको यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेने हैं। इस हिसाब से आपके दोनों पेज जो इनकम सर्टिफिकेट के हैं वो तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आपको तीसरा पेज पे आना है, एनुक्सर वन। तो इसमें आपको यहाँ पर अपना नाम अंग्रेजी में कैपिटल अक्षरों में लिख देना और अपने पिताजी का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे, और यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करवा लेने हैं। यहाँ पर आपको जो आपको यहाँ पे एक फ़ोटो लगा लेनी है, यहाँ पर फ़ोटो उसी की लगानी है जहाँ जिसके नाम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर फ़ोटो लगाने के बाद आपको यहाँ पे, यहाँ पर फ़ोटो है आपकी तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे ऐसे तिरछा साइन करना है जो आधा तो आपके फ़ोटो के ऊपर हो, आधा आपके नीचे के हो, नीचे हो, इस ब्लैंक फ़ोटो पे हो, बिना फ़ोटो के हो। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर आपको अपना कर लेना है, और इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज, यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप कर देना है, पिताजी का नाम फिलअप कर देना, और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, वो नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे केवल अपने जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे आपको कर देने हैं, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद आपका नोटरी करवाना होगा ये फॉर्म, जिसके लिए हम बता देते हैं किस प्रकार से आपको नोटरी करवाना है। यहाँ पर नोटरी करवाने के लिए आपको यहाँ पर अटेस्टेड होगा, यहाँ पर सीरियल नंबर वाली आपको नोटरी करवानी है। आप कोर्ट में जाकर बोल देना बेरोजगारी भत्ते की सीरियल वाली नोटरी करवानी है, तो आप जो कोर्ट में है वो अपने आप ही नोटरी करके दे देगा। यहाँ पर आपका नोटरी होगा, यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देगा, यहाँ पर आइडेंटी बाई मी, यहाँ पर वो वाली मोहर लग जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे इस फोटो को भी आपको नोटरी करवाना होगा, इस फोटो को नोटरी करवाना होगा, इस पे आपकी मोहर लगा के वो नोटरी करेगा, और ऊपर आपको यहाँ पे भी नोटरी करके देगा। इसके ऊपर आपका नोटरी होगा, यहाँ पर केवल ऊपर, यहाँ पर आपका जो फोटो है वो भी आप आइडेंटिफाई करेगा, ऊपर नोटरी करके देगा, नीचे आपको नोटरी करके देगा। यहाँ पर इतना करने के बाद आपका फॉर्म बिल्कुल तैयार हो चुका है बेरोजगारी भत्ते के लिए। अगर आप बेरोजगारी भत्ते का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करें वो भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको फिलअप करके बता देंगे किस प्रकार आप फिलअप कर सकते हैं, और पहली बार में है आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।